प्रदेश का अभी तक कोई नहीं हुआ होता है। की चिंता और पहनने के बाद मां की चिंता, ये करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के कल्याण के लिए, बच्चे के कल्याण के लिए, बेटियों के अनेक ऐसी योजनाएं शुरू की जो आज देश के अनेक राज्य फॉलो करते हैं। ये आगे भैया पीछे हो जाइए, आप
दोनों भगवान ने बनाए, लेकिन बेटा ज्यादा प्यारा। कुल का दीपक बुढ़ापे की लाठी का सहारा, आप सहारा बनेगा कि लट्ठे मारेगा बुढ़ापे में, कोई गारंटी थोड़ी है। लेकिन बेटी की मैं गारंटी ले सकता हूँ, जब तक वो जिएगी उनकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी, कभी भूल नहीं सकती। बोलो सही बात है कि नहीं, तो जोर से बोलो ना। तो फिर बेटी के साथ भेद क्यों? बचपन से मन में ये चीज होती थी, एक पीड़ा, एक दर्द, एक तकलीफ की है, भगवान ने स्थिति कैसे बदल। और तब एक बात ध्यान में आई कि शादी अगर हम बेटियों की करें, कई बार शादी कोई बोझ मान लेते नहीं, के इंतजाम कहां से करें। और इसलिए मुख्यमंत्री बनते ही उमा शंकर जी आप हैं, हमने पहली योजना बनाई कि बेटियों की शादी अब मामा करवाएगा, कोई गरीब बेटी शादी में बोझ नहीं बने। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनी और 49,000 का चेक सीधे, सामग्री पहले दे रहे थे लेकिन सामग्री में कहां कहां पर देखे अच्छी आई की बुरी आई, तो सीधे तय किया कि 49,000 का चेक दे दो, बाकी पैसा व्यवस्था में खर्चा कर दो। बताओ चेक का नहीं ठीक है ना, बताओ मेरी बहनों। तो शुरू कर दिया, शादियां हो रही है। लेकिन बेटी जन्म ले दुनिया में, मेरी बहनों कितना अन्याय हुआ है कि विज्ञान ने जब प्रगति की और ये पता चल गया कि कोख में मां के बेटा है कि बेटी है, तो कई दुष्टों ने कोख को ही कत्ल खाना बना दिया, डॉक्टर से कह दिया कि पेट में ही मार दो, बेटी को आने ही मत दो। ये पाप हुआ है, पाप। बेटी कोख में मारी जाने लगी, बेटी की संख्या कम होने लगी, 1,000 बेटों पर 900 बेटियां रह गई, बताओ। लेकिन मेरी बहनों और मैं भाइयों से भी कहना चाहता हूं, बताओ बेटियों के बिना दुनिया चल जाएगी? बहुएं नहीं मिल रही कई जगह, बहुएं कुंवारे घूम रहे हैं, मैं सही बता रहा हूं स्थिति है। क्योंकि संख्या बराबर होगी तो संतुलन होगा, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। और इतने लाडली लक्ष्मी योजना बनी जिसका जिक्र उमा शंकर जी कर रहे थे, और आज 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस है, उस दिन फिर उत्सव मनाऊंगा। आन दो लाडली बेटियों को, मामा है, चिंता मत करो, सारी व्यवस्था करेंगे। लाडली बेटियां 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 11वीं 12वीं में 6,000 रुपए। और अब तो मेरी बहनों कॉलेज में मेरी बेटियां जाएंगी लाडली तो 12,500 कॉलेज में एडमिशन देंगे, और 12,500 डिग्री लेने के बाद, और सुन लेना सब ध्यान से, तुम भी बेईमानी मत करना, कई बार माफी सोचती बेटे ही आ जाए। अब ये मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाएगी तो उसकी फीस भी मामा भरवाएगा, चिंता मत करना। कई काम किया हमने, एक काम मुझे आपको बताने की इच्छा होती है, मालती खड़ी है अपनी, हमारी पार्षद बहन भी खड़ी, आप ईमानदारी से बताओ, पहले बहने चुनाव लड़ती थी क्या? चुनाव कौन लड़ेंगे साहब? मैंने कहा करेंगे रोटी बना, बोले 50 आदमी आ रहे बैठी, चुनाव लड़ रहा हूं, बनाते रहे रोटी, चुनाव लड़ने नहीं देते थे, घर में रहे, कहां जा रही है? हमने तरकीब लगाई और तय किया कि बहनों को अगर सशक्त करना है तो राजनीति में आगे आना चाहिए, सरकार चलानी चाहिए। कई बात है कि नहीं बताओ? तो ये फैसला किया कि आधी सीटों पे केवल बहन और बेटी चुनाव लड़ेगी, भैया चुनाव नहीं कर पाएंगे। मां आप बताओ, अगर ये रिजर्वेशन ही होता तो इतनी बहने चुनाव लड़ती क्या? साहब ही लड़ते रहते। अब आधे से ज्यादा बेटियां कितने पार्षद है मालती आपको? 42 पहला पार्षद है ये खड़ी, अब ये सरकारें चला रही, भैया पुलिस में बेटियां होती नहीं थी। मैंने हमने तय किया कि 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में करेंगे। ये बेटी खड़ी है, ये पुलिस के अधिकारी, अरे कबाड़ा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। बहन का कुछ भी हो जाए, मेरी बहन अगर कोई थाने में रिपोर्ट दिखाने जाना हो और आदमी बैठा हो उससे बात कर पाओगी? लेकिन बेटी रहेगी तो खुल के अपनी बात बता सकती हो। तो 30% बेटियों की भर्ती,
पहुंच गया, मेरे भैया भी सुन लो रे, अगर कोई दुकान मकान खेत खरीदना है तो पुरुष के नाम पर खरीदोगे तो 3% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, लेकिन मेरी बहन के नाम खरीदना तो केवल 1% लगेगी। अब इसका परिणाम क्या हुआ, भैया को खरीदना था कि यार अपने नाम पर तो पैसा ज्यादा लग रहा है, बोले तेरे नाम करवा देता, तो बहनों के नाम दुकान मकान आने लगे। सही बात है कि नहीं? अब तरकीब तो लगाना पड़ेगा, तब ये आदमी लोग आगे बढ़ने देंगे, नहीं तो बढ़ने नहीं देते। ऐसी कई चीजें, लेकिन एक बेचैनी थी मेरे, छोटी छोटी जरूरत पड़ जाएगा बहन को 1500 रुपया की, गरीब बहन, निम्न मध्यम वर्ग की बहन। मान लो आपको जाना है मायके, इच्छा होती भैया की बेटा बेटी को कुछ तो रखना है, बुआ जी आई है तो कुछ तो जाइए होती। सही बात है कि नहीं? देखो भावना पर, और आपने मांगे घर पैसा के, पैसा तो दे दो जरा, मायके जा रही है, नहीं है जब देखो तब पैसे मांगती रहती है, मोहलत क्या करेगी। अरे उससे भी बड़ी बात है, तो आप माँ जो है, छोटा सा बच्चा आपको आगे बुद्ध में बैठ गया, माँ मुझे कपड़ा दिला देना, मेरे स्कूल में फलाना तो ऐसा पहन के आता है, अगर पैसा नहीं हो तो दर्द होता कि नहीं मन में बताओ। बेटा बेटी का माँ आइसक्रीम खिला दे, माँ कोई किताब दिला दे, माँ कोई खिलौना दिला दे, पैसे नहीं होते मजबूर रह जाती कई बार, दुख का घूट पी के चुप रह जाती कि बेटा कहां से लाऊं, बेटी कहां से लाऊं। मेरे मन में बहुत बहुत दिनों से चली थी कि ऐसा काम करें कि मेरी बहन मजबूर ना रहे, थोड़ी मजबूत बने। अच्छा भैया तो मैं हूं कि नहीं हूं? अरे भैया हूं कि नहीं? तो सब जोर से बताओ ना, सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं। अब बताओ भैया, सावन के महीने में बहन से राखी बंधवाता है और 100, 50, 500 कुछ तो देता ही है ना, कभी कपड़े देगा कभी साड़ी देगा, तो भैया ये करते ही, तो मैं भी तो भैया हूं। पर मेरी बहनों, ये कहने के लिए नहीं कह रहा, लाखों बहन है मेरी, करोड़ों बहन, तुम सब मेरी सगी बहन हो, सगी बहन, ये भाव अंदर से है। मेरे लिए महिला मात्र देवियां हैं, बेटी देवियां हैं। मैं पूजा करके कार्यक्रम शुरू करता हूं बेटियों की, ताकि समाज को संदेश जाए कि बेटियों की इज्जत करो। बहुत दिनों से सोच रहे थे क्या करें क्या करें, तो लगा कि भैया है तो बहनों को पैसा देना चाहिए, लेकिन साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, जब कोई और महीना पड़ती है, पड़ती कि नहीं पड़ती। और इसलिए तय किया कि ऐसी योजना बना दो कि हर महीना बहन के खाते में 1000 रुपया सीधे सीधे चले जाए। देखो मेरी बहनों, पैसा से आपके मन का विश्वास बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जोर से बताओ। पैसे से घर में इज्जत बढ़ेगी, ये कठोर सच्चाई है, ये आज की नहीं है। उमा शंकर जी जब भीष्म पितामह आए, सरसैया पे लेटे थे, युद्ध खत्म हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा जरा पितामह से ज्ञान प्राप्त कर दिया। पितामह के पास गए तो पितामह भीष्म पितामह ज्ञान ध्यान की बात करने लगे, तो द्रौपदी हंस पड़ी, द्रौपदी हंसी तो भीष्म पितामह ने पूछा बेटी तू हंस क्यों रही है, तो द्रौपदी ने कहा पितामह तुम्हारा ज्ञान उस दिन कहां गया था जिस दिन भरी सभा में मेरा चीर हरण हो रहा था और मैं सहायता के लिए पुकार रही थी, तब तुम्हारा ज्ञान कहां चला गया था, ये तो मुझे बता दो। भीष्म पितामह ने जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा बेटी मैं सिंहासन से बना था, दुर्योधन का खाया हुआ अन्न खून बन के मेरी रगों में दौड़ रहा था, और इसलिए उस समय चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा पुरुष अर्थ का दास है, ये भीष्म पितामह ने कहा पुरुष अर्थ का दास है, जिसकी खाता है उसकी बजाता है। तो कोई कहे ना कहे मेरी बहना, मैं कह रहा हूं कि पैसा बहुत बड़ी चीज है, वो होगा तो घर में भी इज्जत बढ़ेगी, घर में इज्जत। सास भी कहेगी बहू की हर महीने 1000 रुपये आ रहे हैं, तो रोटी में घी टुकड़ों खाएगी,
थोड़ा लाड़ उम्र पड़ेगा और बेटा बेटी की जरूरत भी पूरी होगी। कई बार देखो महिलाएं, मैं पुरुषों को कहता हूं, बहुत संवेदनशील, पुरुष कठोर हो सकता है, महिला कभी कठोर नहीं होती। अगर पति मारता भी होगा और कष्ट में होता होगा तो सबसे पहले कहेगी मेरा आदमी जान दे दूंगी, ये भाव महिला के अंदर होता है। और मुझे पता है मेरी बहने अगर ये पैसा मिलेगा 12,000 रुपया साल तो थोड़ा बहुत बचा के भी रखेगी। सही बात है कि नहीं? क्योंकि पता नहीं कब काम पड़ जाए तो थोड़े बचा लें। और जब आपके पतिदेव मोदक का कि कभी आए तो आप उनको दुखी नहीं देख सकते। फिर कहोगी पप्पू के पापा क्या था, आज चेहरा उतर आया, अरे मुझे बताओ ना। और उनने कहा क्या करूं, बहुत जरूरत थी, पैसा कहीं मिल ही नहीं रहे, तो पट से निकाल के कहोगी ले जाओ, चिंता मत करो, मेरे पास रखो, मैं तो हूं तुम्हारे लिए। ये महानता केवल औरत में है, औरत में आदमी ठुकरा सकता है, औरत कभी नहीं ठुकरा सकती, बहन कभी नहीं ठुकरा सकती, बेटी कभी नहीं ठुकरा सकती। और इसलिए ये लाडली बहना योजना बनी। सबके फॉर्म भर गए, जिनके भर गए हाथ उठाओ, नीचे करो, जो रह गए उनके वो हाथ उठाए, जो रह गए बच्चों के नहीं बन रहे 23 साल की उम्र चाहिए, और ये विवाहित बहनों के लिए है। अच्छा जो रह गए हैं, आज मैं रात को रिव्यू कर रहा हूं, जरूरत पड़ी तो शनिवार इतवार को भी करेंगे। अब तक कितने बार आ गया पता है, 1,20,00,000। 12,000 रुपया साल देना, 1,20,00,000 में कितने रुपये लगेंगे जरा हिसाब लगा, सीधे 16,000 करोड़ रुपया। लेकिन बहनों के लिए लाइए, चिंता मत करो, इंतजाम कर दे। 10 जून ये बहनों की जिंदगी में क्रांति के दिन होगा। 10 दिन को 1,000,000 रुपया आपके खाते में लगेगा। जो पात्र बहने 2,50,000 रुपया तक की आयो, अमीरों के लिए नहीं है, 4 रुपया बहन ना हो, 5 एकड़ से कम जमीनों की भी 5 एकड़ से ज्यादा है तो फिर उनको 1,000 रुपया की जरूरत नहीं है। तो सब पात्र बहनों के खाते में 1,000 रुपया महीना आना शुरू हो जाएगा। उनको 10 दिन खाली रखना, जरा एक दिन तो खुशियां मनाओ। कब आएगा, अरे जोर से बताओ ना, 10 जून बहनों की जिंदगी में एक और दिन। लेकिन इससे ही संतुष्ट नहीं हो मेरी बहनों, देखो समय मेरे पास कम है, अभी और कई कार्यक्रम है। देखो गरीब नहीं रहना, क्यों रोते रहना नहीं है, परेशान है, कई चीजें हम कर रहे हैं। एक चीज आपको करना है, सब पहले मेहनत सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, स्वास्थ्य सहायता समूह, कलेक्टर है या नगर निगम कमिश्नर है भाई, भोपाल में ड्राइव चलाओ उसके बाद, और समूह बनाकर मैं चाहता हूं मेरी बहनें काम धंधा करना शुरू करें अलग अलग। समूह में ताकत होती है, बैंक लिंकेज हम दिलवाएंगे, केवल 2% ब्याज लगेगा, बाकी पैसा हम भरवाएंगे। 10,000 रुपया महीना आमदनी होनी चाहिए बहन की कम से कम, ये बहुत जरूरी है ताकि कोई कम को देखना ना पड़े। मेरी बहनों भगवान की ताकत दे कि तुम्हारे सारे आंसू पी जाऊंगे, तुम्हारे दामन में खुशियां आए, बेटा बेटी सुखी रहे और अच्छा जीवन जियो, यही भगवान से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।